सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 14 फरवरी, तो आज जो है कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए भी कुछ स्पेशल डिश लाया हूँ। ठीक, तो अभी जो है दिन का टाइम हो रहा है, बाहर धूप है ये देखिए। और अभी जो है हमारा आज जो प्रोग्राम है वो है चूख खाने का। चूख बोले तो पहाड़ी में से चूख बोलते हैं, नींबू सानने को चूख सानना बोलते हैं। तो आज हम खाएंगे चूख। तो अभी आपको आज बताऊंगा मैं कि कैसे उसकी प्रोसेस है, कैसे उसे बनाया जाता है, क्या क्या उसमें डाला जाता है, और उसका जो आपको दिखाऊंगा, अब मैं यकीन मानिए आपको वो देख के आपके मुंह में जो है ज़रूर पानी आएगा। वो इतना स्वादिष्ट होता भी है खाने में, और दिखने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब होगा। तो मिलते हैं आपको नींबू पार्टी में। सो हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। फॉर माई साइड ऑल्सो हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज का व्लॉग ये है, व्हाट वी डू इन अवर वैलेंटाइन डे। काकी ने हमें काकी मम्मी तो कमे पर मैं ज्ञान मार दे। नींबू खाने के लिए देखिए लोग बैठे हुए इंतजार में। बन गया है हमारा नींबू। गुड़ है इसमें, दही है, भांग की चटनी है, तिल की चटनी नीचे गिरा दिए। जो भी आज हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम दोनों के पास अभी टू चिट्स हैं, इसमें एक साइड लिखा है मी और एक साइड लिखा है ही और शी। ही वाला इनके पास रहेगा, ही वाला मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो गेम ये है कि तो इससे हम एक गेम खेलेंगे, और गेम हमसे पूछेगा हमारा कैमरामैन, ठीक है, रिंकू, और फिर हम उसके आंसर देंगे। जो मतलब जिसको जो लगेगा जो क्वेश्चंस का आंसर ही है तो वो वाली चिट को कैमरे की तरफ दिखाएगा, और अगर मी लगेगा तो हमें तो मी को तो फिर ऐसे दिखाएगा। सो रिंकू, आस्क फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? तुम्हें ऐसा लगता है मैं ज्यादा परेशान करती हूँ? लगता नहीं है, बस मैं करती हूँ थोड़ा बहुत परेशान, पर इतना भी नहीं करती हूँ, पर चलो कोई नहीं। कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन, गुस्सा किससे सबसे ज्यादा आता है? मतलब हम दोनों को बराबर ही गुस्सा आता है, मतलब हम दोनों का गुस्सा ऐसा है कि एकदम से आता है और एकदम से चल जाता है। हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी नहीं रह सकते हैं। मतलब या तो जैसे अगर मुझे लगे मेरी गलती है तो मैं मना लेती हूँ, उनको लगता है इनकी गलती है तो ये मना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग की दही कौन करता है? दिमाग की दही तुम करते हो? तुम करते हो? तो अगर दिमागी नहीं है तो मैं दही कैसे दूंगा तुम्हारा? मेरे दिमाग के दही, मेरे पास दिमाग है तो तुम दही करती हो उसकी। मैं कैसे कर लेती हूँ? कैसे कर लेती हो तो तुम्हें पता है कैसे कर लेती हो, मुझे क्या पता। परेशान करना अलग बात होती है, दिमाग की दही करना अलग बात होती है। हाँ, दही तुम्हें ज़्यादा पसंद भी है ना, दही तो मेरे दिमाग की दही करती हो तुम। ये कौन सा लॉजिक हो गया फ्रेंड से? कौन सा लॉजिक है कि दही पसंद है तो दिमाग की दही भी मैं ही करूँगी? परेशान करती हूँ मैं, कोई दिमाग की दही नहीं करती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, हु सेड आई लव यू फर्स्ट? कौन ज्यादा बोरिंग है? बोरिंग कोई नहीं है, चाहता है तो बोरिंग कैसे हो सकता है? तो इसका तो मुझे लगता है कि मेरी ओर से तो मैं ही रहूंगा इसमें। Who have more patience?
तो सच है ना। हाँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी सब्र नहीं है और इनमें सब्र कूट कूट के भरा है। अगर मैं इनसे कुछ कह दूँ ना, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो ये बिल्कुल शांत रहते हैं। मतलब हाँ, इनका ये है कि हाँ ओके है कि मतलब जब मिलना होगा मिल जाए, और मेरे को बता दिया कि मेरे को सरप्राइज प्लान किया है, फिर तो भाई मैं तो दिमाग खा रहती हूँ इनका। थोड़ा पेशेंस अपने मुझे भी दे दो। सबसे ज़्यादा जिद्दी कौन है? जिद्दी हाँ, मतलब अब जिद्द तो उसी से करते हैं ना जिससे आपको रहता है कि हाँ वो जिद पूरी कर सकता है। तो मतलब मेरा ये, अगर मेरी कोई एक बात सुनता नहीं है ना, तो जब तक मेरी वो बात मतलब कंप्लीट नहीं हो जाती ना, मैं क्या करती रहती हूँ, जॉब करती रहती हूँ। हम दोनों ही बोलते हैं, पर ज्यादा तुम बोलते हो। पर ज़्यादा तुम बोलते हो प्यार में नो सॉरी नो थैंक्स। ऐसा होता है कि जब भी हम दोनों की लड़ाई होती है, लड़ाई होती रहती है, सभी नहीं हमारी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती रहती है, तो हम दोनों सॉरी एक दूसरे को खुद ही बोल देते हैं। पर ये ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, और मैं थोड़ी बात करती हूँ। और लड़कियों का होता ही है, उनके जन्म से अधिकार है कि वो थोड़ा भाव खाए। सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? No doubt. पर ऐसा भी नहीं है कि इनको खाना बनाना नहीं आता, ये भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, पर यह है कि उससे अच्छा नहीं बनाता। वो जो मेरे खाने में जो टेस्ट आता है वो ये भूख मर जाती है। क्या कहने का मतलब है, भूख भर हो जाती है, मतलब इतना अच्छा खाना होता है कि खाना देख के ही पेट भर जाता है। इतना अच्छा खाना होता है कि थाली को जीभ से चाट चाट के हाँ, तो खाना तो मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन थे। ओके, तो सो गाइस वीडियो को अभी लास्ट तक देखना, अभी ये कुकिंग भी करने वाले हैं आज, प्रोटीन फायदा करके तो कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। वैसे मुझे आलू की कुटी खाने का मन कर रहा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है हेमा, तो वो कॉलेज टाइम बहुत अच्छी बनाती है थी, मतलब तो मैं खाती थी, अब पता नहीं कैसे बनाती होगी, देख के चुनाई। तो क्या कहते हैं, ये भी बहुत अच्छे आलू की कुटी बनाते हैं, तो आज इन्होंने मेरे लिए वो बनाएंगे अभी जाके, तो सो देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो टिल देन, तो आज मुझे बनाने हैं आलू के गुटके। तो गाइस, ये मैंने आलू जो है वो काट दिए हैं, अब हम जो है चूल्हे में कढ़ाई को रखते हैं, तेल गरम करते हैं, उसके बाद की आगे प्रोसेस आपको अभी बताते हैं। इसमें जो है टमाटर डालेंगे, और टमाटर आप जितना छोटा काटेंगे उतना अच्छा होगा।
तो ये टमाटर को थोड़ा पकने देंगे अब हम, ताकि थोड़ा ग्रेवी जैसा हो जाए। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं ताकि जल्दी से जो है पक जाए। तो ये हम थोड़ा सा इसमें जो है सॉल्ट जो है डाल देते हैं नमक, ताकि जो है ये जो टमाटर जो है ये अच्छी तरह से पक जाए। इसमें इसमें नमक डाला जाता है। तो तेल को, नमक को और ये हल्के से आंच में जो टमाटर को है पकाते हैं, तो उसे थोड़ी देर हम पकने छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है मैशअप हो चुका है। ठीक, तो अब हम इसमें डालेंगे अपना धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा मिर्च, और फिर थोड़ा सा हल्दी, तो ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें हल्दी, मिर्च और मसाला, और आपका अभी थोड़ा नमक पड़ चुका है, पर नमक जो है अभी स्वाद अनुसार हम थोड़ा और डालेंगे, क्योंकि सब चटपटा पसंद करते हैं खाना। एक चम्मच उसमें पहले डाल चुके थे, और थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच उसमें और डाल दिया। अब हम इसमें जो है हमने जो आलू काटे थे उस उन आलू को डालेंगे। अब जो भी वो ग्रेवी तैयार थी उसको पूरे जो है आलू जितने भी हमने काटे उनमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने मिक्स कर दिए हैं, और अब इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि आलू तो पहले से उबाले हुए थे, तो पर थोड़ा सा इसे हम हल्की आंच में जो भाप है भाप से थोड़ी देर इसको पकने देंगे, बस उसके बाद हम इसमें बंद कर देंगे इसको गैस को। तो थोड़ा सा उसे भाप में पकने के लिए रख देते हैं, तो ढक्कन लगा के रख देते हैं। तो ये हमने लगा दिया है ढक्कन, तो अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कि ये जब पूरा हम फिनिश हो गया तो उसके बाद ये कैसे दिखती है। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोनिया भी लगन गियां फे बालियां गल्ला नाल जदों टकराई।